नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन की। दिल्ली में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि इस दौरान अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता भी दे दी गई है। अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता मिली है, सबकी सहमति से ये सदस्यता दी गई। और बता दें कि पीएम मोदी ने इसकी पहल की थी, जिसके बाद सभी का समर्थन भी इस यूनियन को मिला है। आपको बता दें कि समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष पीएम ने जैसे ही इसे पारित किया, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी ने पीएम मोदी को गले लगाया। बता दें कि इस समिट में शामिल चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का समर्थन किया। और अब आपको बता दें कि अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दे दी गई है। तो देखिए, नई दिल्ली में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। बता दें कि अपने उद्घाटन भाषण में मोरक्को भूकंप में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि भी दी और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां टिकट को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्राइटेरिया तय कर लिया है। युवाओं और नए चेहरों को कांग्रेस इस बार मौका देगी। लगातार हार रही सीटों पर नए चेहरों को उतारा जाएगा, तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। लगातार 3 बार हार चुके नेताओं के नाम इस बार नहीं दिए जाएंगे। 10 सितंबर तक दावेदारों की मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को स्क्रीनिंग कमेटी को एक लिस्ट भेजनी होगी। 12 सितंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक होगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी बैठक में 103 नाम पर मुहर लग सकती है। लगातार हार रही 66 सीटों पर युवाओं और नए चेहरों को उतारने की रणनीति इस बार कांग्रेस अपनाती नजर आएगी। तो आपको यह भी बता दें कि 103 नामों की लिस्ट कांग्रेस जल्द से जल्द जारी कर सकती है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने क्राइटेरिया सेट कर लिया है और काफी लंबा मंथन आप देखिए कांग्रेस का चल रहा है इस बार उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि बीजेपी ने जब से पहली सूची जारी की है एक मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस के ऊपर देखने को मिला है और ऐसे में कांग्रेस कोई चूक नहीं करना चाहती। उम्मीदवारों पर ही चुनाव टिका होता है और ऐसे में इस बार पुराने चेहरों को ज्यादा मौका ना देते हुए नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो उम्मीदवार जो नेता पिछले तीन बार से हार रहे हैं, उनके नाम लिस्ट के लिए ना दिए जाएं, ये निर्देश भी कांग्रेस ने तमाम नेताओं को जारी किए हैं। नए चेहरों को उन जगहों पर मौका दिया जाएगा जहां पर पार्टी ने हार का सामना किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंदौर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस कमिश्नर ने कलेक्टर ऑफिस के भ्रष्ट क्लर्क मिलाप चौहान की संपत्ति अटैच की है। बता दें कि धोखाधड़ी कर 5 करोड़ की संपत्ति को बनाया था, जिसके चलते इसे अटैच किया गया। अवैध शासकीय पैसे से इस प्रॉपर्टी की खरीदी की गई थी। बता दें कि पुलिस ने कमिश्नर कोर्ट से इस प्रॉपर्टी को अटैच कराया है। मिलाप चौहान की कार की नीलामी भी पुलिस कराने वाली है। तो मनीष सिंह सिकरवार, संयुक्त कलेक्टर इंदौर, ने थाना रावजी बाजार पर शिकायत आवेदन दिया है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस के भ्रष्ट क्लर्क मिलाप चौहान के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बता दें कि लगभग 5 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है जिसे जब्त किया गया है। अवैध शासकीय पैसे से इस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले क्लर्क के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई हुई है। रावजी बाजार पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
खबरें ये भी है कि मिलाप चौहान की कार की नीलामी भी रावजी बाजार पुलिस करवाने वाली है। थाना रावजी बाजार पर शिकायत आवेदन दिया गया था। 5,67,96,000 रुपए का शासकीय धन का गबन का ये मामला सामने आया। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कलेक्टर ऑफिस के भ्रष्ट क्लर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि इस क्लर्क ने शासकीय पैसों के साथ छेड़छाड़ की, धोखाधड़ी करके 5 करोड़ की संपत्ति बनाई, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई रावजी बाजार पुलिस ने की है। तो आप देखिए, इस मामले में और भी जांच की जाएगी। अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया इंदौर में, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, रावजी बाजार ने कुछ महीने पहले एक FIR दर्ज की थी, जिसमें कलेक्ट्रेट का भ्रष्ट बाबू मिलाप सिंह चौहान का नाम सामने आया था। शासकीय पैसों का गबन का आरोप लगा था, लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा अमाउंट था। उसमें 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच करने का कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हो गया है। और इसमें जो पूरी कार्रवाई है, SDM और ADM स्तर के अधिकारियों ने जांच की थी। खासतौर पर ADM राजेश राठौर ने इसकी बड़ी गंभीरता से जांच की थी, उस वक्त में बारीकी से जांच की थी। और जो मिलाप सिंह चौहान है, शासकीय पैसों को अपने अकाउंट में, अपने भाई के अकाउंट में, अपने भाई की पत्नी के अकाउंट में, अपने दोस्तों के अकाउंट में, तमाम उसने अलग अलग जो खाते हैं उसमें उसने शासकीय पैसे को ट्रांसफर किया था। हालांकि उस पैसे से उसने जो फार्म हाउस खरीदा था, जो मकान खरीदा था, गाड़ी खरीदी थी, तमाम जहां पर इन्वेस्टमेंट किया था, उस पूरी संपत्ति को पूर्ण करने की बात कही जा रही है। पूरी संपत्ति को अटैच किया जा रहा है। और भ्रष्ट मिलाप सिंह चौहान के मामले में लगातार नई चीजें भी अभी तक सामने आ रही है कि उसने कहां कहां पर प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो एक तरफ रावजी बाजार की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उसकी प्रॉपर्टी और कितनी है, क्योंकि उससे पूरा सरकारी पैसा वसूलना है। 5,67,00,000 रुपए के ऊपर जो गबन का आरोप लगा हुआ है। तो फिलहाल मिलाप सिंह चौहान से पूछताछ में बहुत जो जानकारी सामने आई थी, उन संपत्ति को तो अटैच कर लिया गया था, कोर्ट का भी उसमें आदेश आ चुका है। लेकिन पुलिस दूसरी तरफ से जांच भी कर रही है कि उसने क्या कहीं और भी प्रॉपर्टी खरीदी रखी थी जिसकी जानकारी उसने नहीं दी, या उसने अपने दोस्तों के नाम पर खरीद रखी थी। और ये अय्यास जो मिलाप चौहान है, ये अय्यास बाबू था। ये उसने लाखों रुपए सरकारी जो पैसे हैं, लाखों रुपए इसने मुंबई, गोवा, दिल्ली, यहाँ के क्लब में जो पब है, क्लब है, तमाम जगह पर उसने पैसे खर्च किए थे। एक दिन में 2-2, 4-4 लाख रुपए खर्च करता था, हमेशा फ्लाइट से आना जाना था। तो एक अय्यासी वाली जिंदगी जीता था मिलाप चौहान। और ये सब कुछ सरकार के जो पैसे हैं, जो दूसरों को लाभ देने के लिए सरकारी योजनाओं के जो पैसे हैं, उन पैसों को गबन करके ये लगातार अय्यासी कर रहा था। एक बड़ा घोटाला सामने आया था कलेक्ट्रेट का, जिसमें मिलाप चौहान की गिरफ्तारी हुई थी। अब गिरफ्तारी के बाद में जो उसकी संपत्ति है, उसे भी जब्त करने के कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुके हैं। बिल्कुल मिथिलेश, एक और जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, कितने लंबे समय से ये कार्य कर रहा था, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में ये पदस्थ है, बाबू है ये, और काफी भ्रष्ट ये बताया जाता है, कितना समय इसको बीत गया इस तरह के कार्य करते? देखिए, मिलाप चौहान के बारे में जो जानकारी सामने आई थी, लगभग 7-8 साल ही हुआ था। और अनुकंपा नियुक्ति में से नियुक्ति मिली हुई थी, अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी मिली, और जो क्लर्क स्तर का अधिकार वो बाबू था वहां पे, यानी वर्ग 3 जो क्लास है, क्लास 3 स्तर के अधिकारी थे। लेकिन इसके पास में जिम्मेदारी बड़ी थी, इसके पास में जो लाभान्वित जो लोग होते हैं, जिन्हें सरकारी पैसे देने, सरकारी योजनाओं का जिन्हें पैसा खाते में ट्रांसफर किया जाता है, उन पैसों को ट्रांसफर करने की इसके पास जिम्मेदारी थी। इसे ये दूसरों के खाते, उसमें अपने जो जानने वाले खाते हैं, उन खातों के अकाउंट नंबर डालकर जो दूसरों को लाभ देने का पैसा था, वो अपने दोस्तों को देता था। यानी 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 रुपए उसने शुरुआत में ट्रांसफर करना चालू किया, बाद में वो जो राशि है धीरे धीरे करोड़ों पर चली गई। 3 साल तक उसको लगातार, और वो वक्त था कोविड का, जब कोविड का दौर था, जब कोविड के समय में जो पूरी दुनिया एक बड़ी महामारी से जूझ रही थी, उसका भी फायदा उसने उठाया था। क्योंकि उस वक्त जो अधिकारी हैं वो घरों पे थे, तमाम जगह पे जांच नहीं की जाती थी। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि काफी लंबे समय से मिलाप चौहान द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी की जा रही थी सरकार के पैसे के खिलाफ, और आप देखिए एक बड़ी कार्रवाई को भी अब अंजाम दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कार में भीषण आग लग गई। असामाजिक तत्वों की ये करतूत बताई जा रही है, जहां सड़क पर कार जलती हुई नजर आई है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कार में अचानक ही आग भड़की और आग कैसे लगी इसके पीछे कारण असामाजिक तत्व बताए जा रहे हैं, उनकी ये करतूत हो सकती है ऐसी आशंका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी कार जलकर राख हो गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। कार को आग के हवाले कुछ असामाजिक तत्वों ने किया है ऐसी आशंका है। इधर बड़वानी से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां नेशनल हाईवे 3 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बसों की आमने सामने से भिड़ंत हुई, दोनों बस के चालकों की हालत गंभीर बताई जा रही। इस हादसे में 10 यात्री घायल हुए, घायलों को जुलवानिया और सेंधवा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बता दें कि बालसमंद और ओझर पुलिस मौके पर पहुंची। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, दो बसों में भिड़ंत हुई, आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसके चलते यात्री भी घायल हुए और दोनों ही बसों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए। नेशनल हाईवे 3 पर यह सड़क हादसा हुआ है, हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं ऐसी जानकारी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे है ये, नेशनल हाईवे 3 जिस पर यह हादसा हुआ। इधर कोरबा से भी कुछ ऐसी ही खबर, जहां हादसे का शिकार यात्रियों से भरी एक बस हो गई, बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई ये बस। बताया जा रहा है कई यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं, दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कोरबा से रायपुर जा रही थी ये बस जो हादसे का शिकार हुई है, डिवाइडर पर चढ़ गई। कनकी पतोरा रोड पर यह हादसा हुआ, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई यात्री घायल हुए हैं जिनमें दो की हालत गंभीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खरगोन से बड़ी खबर, जहां विद्युत पावर ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। महेश्वर रोड स्थित ग्रिड स्टेशन के 220 केवी उपकेंद्र की यह घटना है, जहां अचानक ही ट्रांसफार्मर में आग भड़क गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बड़वा सनावत से यहां पर फायर ब्रिगेड की टीमें बुलाई गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पावर ग्रिड स्टेशन की ये तस्वीरें आप देखिए, अचानक ही यहां पर आग भड़की ट्रांसफार्मर में, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। दो फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। खबर बुरहानपुर से है, जहां भारी बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। शहर के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मैं आपको बता दें कि शिकारपुरा क्षेत्र में जलभराव के हालात बन गए हैं, आवागमन यहां प्रभावित हो रहा है, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। आज भी यहां भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे क्या हालात यहां पर बने हुए हैं। शहर के ज्यादातर इलाकों में पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, घुटनों तक पानी भरा हुआ है और जनजीवन अस्त व्यस्त है, आवागमन में भी बाधा आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिकारपुरा क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन चुकी है और आज भी यहां भारी बारिश के आसार बने हुए। तो बता दें कि ज्यादातर हिस्सों में बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की प्रसिद्ध मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर में आज मनमोहक छटा देखने को मिली। पहाड़ पर विराजित मां बम्लेश्वरी मंदिर में बादलों ने डेरा जमाए रखा। मंदिर को चारों तरफ से बादलों ने घेर लिया और इस अद्भुत छटा को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बादलों का दल मां बम्लेश्वरी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचा। मंदिर में सुबह का यह अद्भुत नजारा श्रद्धालुओं के साथ
यहाँ के लोगों को भी आकर्षित कर रहा है, लोगों का मन मोह रहा है। बारिश के बाद मौसम साफ होने पर माँ बम्लेश्वरी मंदिर में ऐसा नजारा दिखता है। माता रानी के दरबार में बादलों का दल पहुंचा और देखिए किस तरह से चारों तरफ बादलों ने डेरा डाला। माँ बम्लेश्वरी के धाम को सुशोभित किया बादलों के इस दल ने। और चलिए अब आपको महाकाल के दरबार में लिए चलते हैं, जहां फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आज अपने बेटे के साथ बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। सबसे पहले वो बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए। अक्षय कुमार के साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए, भस्म आरती में शामिल हुए खिलाड़ी कुमार अपने बेटे के साथ। महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए खिलाड़ी कुमार अपने बेटे के साथ पहुंचे भस्म आरती में शामिल। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां बीजेपी दफ्तर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर आज एक बड़ा आयोजन होना है। आपको बता दें कि आज राजभवन पहुंचकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर परिवर्तन यात्रा जल्द ही बीजेपी की शुरू होनी है और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से तमाम मांगे लेकर बीजेपी के तमाम नेता राजभवन पहुंच रहे हैं। तो बता दें कि बीजेपी के तमाम नेता राजभवन पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में 12 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलेगी। सरकार से सुरक्षा की मांग लगातार बीजेपी कर रही है और अब सरकार की शिकायतें लेकर एक ज्ञापन लेकर राजभवन पहुंचे हैं, जहां राज्यपाल को ये ज्ञापन बीजेपी द्वारा सौंपा जाएगा। आप देखिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं, सांसद सरोज पांडे भी नजर आ रही हैं, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के तमाम नेता केदार कश्यप, सांसद, विधायक। सरकार की शिकायत लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।